नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ कल्केरिया फॉस्फोरी का टैबलेट का रिव्यू। दोस्तों ये एक होम्योपैथिक दवाई है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो कल्केरिया फॉस्फोरी का जो टैबलेट है इसके क्या क्या यूजेज हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किन किन कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों हम इस तरीके की मेडिकल से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो कल्केरिया फॉस्फोरी का टैबलेट है ये कौन सी कंपनी बनाती है, इसकी MRP कितनी है, ये सब पहले हम जान लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पहले MRP से। तो दोस्तों इसका MRP है 180 रुपीज़ इसका MRP है, और ये 20 ग्राम की पैकिंग में आती है। इसके अंदर जो टैबलेट निकलती है वो क्वांटिटी के हिसाब से नहीं आती हैं, वो ग्राम के हिसाब से आती हैं। और बात करते हैं कंपनी की, तो दोस्तों ये मेड इन जर्मनी का प्रोडक्ट है, और इसको इंडिया के अंदर जो है इम्पोर्ट कराते हैं, तो वो उनका नाम है डॉक्टर विल्मर स्वैब। और अब दोस्तों मैं आपको एक बार अंदर से खोल के दिखा देता हूँ इस किस तरीके की ये डब्बी निकलती है, इस तरीके की ये बॉटल निकलती है जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके अंदर एक स्लिप भी निकलती है, इस स्लिप के अंदर पूरी इसमें पूरी डिटेल कंपनी ने दे रखी है कि किन किन कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके जो है डोजेज वगैरह क्या है वो सब इसमें दे रखे हैं। अगर आप चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसके यूजेस के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में और कितनी डोज इसकी देनी है। तो दोस्तों ये जो दवाई है स्पेशली छोटे बच्चों के लिए होती है। जो बच्चे 9 से 10 महीने के जब बच्चे हो जाते हैं तो उनके दांत निकलने स्टार्ट होते हैं। तो जब दांत निकलते हैं बच्चों के तो उस टाइम क्या होता है, बच्चों के मसूड़ों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, इरिटेशन होती है और दांत निकलने में काफ़ी परेशानी होती है। तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कराया जाता है कल्केरिया फॉस्फोरी का। तो दोस्तों इसको दवाई देने से क्या होता है, बच्चों के दांत आसानी से निकलते हैं, और जो बच्चों जब दांत निकलते हैं बच्चों के तो साथ में लूज मोशन भी होते हैं, तो उस कंडीशन में भी लूज मोशन में भी इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और जब दांतों में जो बच्चों के मसूड़ में खुजली होती है उसमें भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है, और दांत निकलने में बहुत आसानी हो जाती है। ये दवाई खिलाने से क्या होता है, बच्चों की जो दांतों की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उस दौरान, तो वो सारी इससे ठीक हो जाती हैं। और इससे दवाई को यूज़ करने से क्या होता है कि बच्चों की हड्डियां भी मजबूत रहती हैं, दांत तो निकलते ही हैं आसानी से, साथ ही साथ बच्चों की हड्डियां भी इससे मजबूत रहती हैं, और बच्चों के जो लूज मोशन की प्रॉब्लम होती है वो भी इससे ठीक हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी डोज़ के बारे में कि इसको देना कैसे है। तो दोस्तों इसकी जो डोज़ होती है वो कंपनी ने डब्बी पर ही लिख रखी है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जैसे बच्चा 9 से 10 महीने का है तो दो गोलियां देनी है दिन में, दो टाइम सुबह शाम दो दो गोलियां देनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी इस गोली को दें तो गोली को ढक्कन में डाल के दें, हाथ पर ना लें, क्योंकि इसके ऊपर जो पाउडर होता है, जो दवाई होती है, वो हाथ में अगर लोगे तो वो छूट जाएगी। तो आपको क्या करनी है, ये ढक्कन में ही दो गोलियाँ डाल के देनी है, और सुबह शाम दोनों टाइम इसका जो है बच्चे का इस्तेमाल कराएँ। अगर बच्चा 8 से 9 महीने का है, अगर बच्चा 1 साल या 1.5 साल या 2 साल तक का है तो 3-3 गोलियां देनी है सुबह शाम दोनों टाइम, इस तरीके से दें। और दोस्तों देने के बाद क्या होता है, ये गोली इतनी सॉफ्ट होती है कि मुंह में डालते घुल जाती है, तो बच्चों को चबाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये गोली जैसी मुँह में डालेंगे डालते ही घुल जाएगी। तो इस तरीके से इसकी डोज होती है, और बड़े बच्चे को भी आप इसको दे सकते हैं। अगर दोस्तों बच्चों को दस्त लग रहे हैं ना, तो उस कंडीशन में भी इस दवाई का जो है इस्तेमाल कराया जाता है। अगर दस्त वगैरह लगे हैं तो बच्चों को आप तब भी दे सकते हैं इस गोली को, जैसे कि बच्चा अगर जो है 2 साल 3 साल तक का बच्चा है और बच्चों को दस्त लगे हैं तब भी आप इस दवाई का इस्तेमाल करा सकते हैं। तो दोस्तों ये था कल्केरिया फॉस्फोरी का जो है टैबलेट का रिव्यू। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो से कुछ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों फिर भी आपको इस कल्केरिया टैबलेट से रिलेटेड कुछ पूछना हो या आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।